राजस्थान में सियासी उफान अपने चरम पर है। कांग्रेस की कला एक बार फिर सबके सामने है, मगर इस बार मामला गहलोत वर्सेस पायलट नहीं बल्कि गुढ़ा वर्सेस गहलोत का हो गया है। मगर इसी बीच सचिन पायलट के लिए एक अच्छी खबर भी आई। प्रदेश में बीते दिनों जो भी नियुक्तियां हुई उनको लेकर कहा जा रहा था कि हर नियुक्ति में दबदबा गहलोत का ही रहा है, मगर कांग्रेस आलाकमान ने इस बार की नियुक्ति में पायलट का पलड़ा भारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने राखी गौतम को प्रदेश महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। पार्टी ने राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश और बिहार, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में नई प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की है। प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष राखी कोटा दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2018 में उन्हें 75,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रही थी और उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार संदीप शर्मा से मात खानी पड़ी थी। राखी गौतम कोटा के वार्ड 22 से पार्षद भी रही हैं। उसके बाद प्रदेश की टीम में कई पदों पर रह चुकी हैं। 2 साल पहले सचिव भी रह चुकी हैं। अभी उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया था। जिम्मेदारी के साथ साथ कई सारे संकेत देने की तैयारी की गई है। पार्षद के बाद अध्यक्ष बनाने तक का सफर इनका काफी संघर्षपूर्ण रहा। 2018 के चुनाव भले हार गई थी लेकिन इन्हें पार्टी में जगह मिलती रही। राखी गौतम को अध्यक्ष बनाए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। इससे कांग्रेस का ब्राह्मण वोट बैंक मजबूत होगा। कोटा रीजन में ब्राह्मणों की बड़ी संख्या है। अभी तक रेहाना रियाज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राखी मौजूदा वक्त में प्रदेश कांग्रेस की महासचिव के साथ ही सवाई माधोपुर की इंचार्ज है। कहा जा रहा है कि राखी गौतम को प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर कांग्रेस हरौती समेत प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव से पहले महिला जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राखी गौतम को सचिन पायलट समर्थक माना जाता है और इस नियुक्ति को सचिन पायलट की चुप्पी के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। राखी की नियुक्ति पर सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीमती राखी गौतम जी को राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान समेत 5 प्रदेशों में महिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्तियां की है। आंध्र प्रदेश में लाम टांटिया कुमारी, बिहार में डॉक्टर सरवत जहान फतेमा, जम्मू कश्मीर में शमीमा रैनन, त्रिपुरा में सरबानी घोष चक्रवर्ती महिला कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त की गयी है। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रेस रिलीज जारी किया है।